प्रेज द लॉर्ड, सबको जय मसीह की। वेलकम टू दिस चैनल वंस अगेन। ओके, आज भी हम प्रभु का एक और वचन को हम लोग ध्यान करेंगे। उसके पहले हम लोग एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचन के लिए जो आज हम सुनने जा रहे। प्रभु हमसे बातें कर, और जो मेरे भाई बहन सुनने के लिए आए हैं, प्रभु इन सबों से बातें कर, यीशु के नाम में। ओके, प्रभु यीशु मसीह आप सबों को बहुत ऐसे आशीष करें। आप जो काम कर रहे हैं, आपके बच्चे जो पढ़ाई कर रहे हैं, आप जो सेवा कर रहे हैं, आप सबों को बहुत ऐसे प्रभु आशीष करें। और आपके लिए हमारा प्रार्थना रहेगा, जो भी इस चैनल में जुड़े हैं और जो देख रहे हैं, आप सबके लिए हम लगातार प्रार्थना करते रहेंगे। तो चलिए आज एक वचन को हम लोग ध्यान करेंगे। एक व्यक्ति था, वो एक तोता को ले गया अपने घर। वो बहुत अमीर व्यक्ति था, वो तोता को घर लेके गया और उसके लिए एक सोने का पिंजरा बनाया, क्योंकि वो बहुत अमीर था, उसके पास बहुत पैसा था, बहुत दौलत थी। और वो एक सोने का पिंजरा बनाकर उस तोता को उस पिंजरे में डाला, और उसके लिए रोज अलग अलग फ्रूट्स, फल, वो तोता के लिए जो जो जरूरी था ना, जो खाने की चीज, फल वगैरह, सब कुछ वो सही समय पर लाकर देता था, सही समय पर पानी पिलाता था, खाना देता था, सब कुछ देता था। और एक दिन उसको लगा कि मैं तोता से कुछ पूछूं। तब वो तोता को बुलाया, तोता के पास जाकर पूछा, तोता मैं तुझे बहुत बहुत प्रेम करता हूं, देख मैं तेरे लिए सोने का पिंजरा लाया है, देख मैं तुझे तेरे लिए इतना सब कुछ, फल, तेरे खाने की जो भी चीजें हैं, बिना चुके, बिना मिस करे, समय समय पर तुझे मैं दे रहा हूं, तुझे मैं पानी पिला रहा हूं, इतना अच्छे से मैं तेरा देखभाल कर रहा हूं, क्योंकि मैं तुझसे प्रेम करता हूं। और भी तोता, तुझे क्या चाहिए पूछो, और कुछ कमी है तो मैं तेरे लिए दूंगा, पूछो तुम्हें क्या चाहिए। तोता कहा, राजा तूने मुझे सोने का पिंजरा लाया, धन्यवाद, मेरे लिए सब कुछ, फल वगैरह सब समय पर तूने मुझे दिया है, इसके लिए भी मैं आपको धन्यवाद करता हूं, लेकिन मैं आपको और भी कुछ पूछना चाहता हूं। मेरी एक विनती है, मेरा एक रिक्वेस्ट है आपसे। तो राजा बहुत खुश हो गया, चलो तोता पूछो, वो भी मैं तेरे लिए पूरा करूंगा। तो तोता कहता है, राजा मुझे आप जो कुछ भी दिया है ना, ये सोने का पिंजरा, ये फल, ये पानी, जो भी तूने मुझे दिया है, इससे भी ज्यादा मुझे एक चीज की जरूरत है, क्या आप उसे मुझे दोगे। तो राजा ने पूछा, ठीक है पूछो। तोता ने कहा, राजा मुझे आजाद कर दो, मैं उड़ना चाहती हूँ, मैं आजाद रहना चाहती हूँ, मैं इस पिंजरे से आजाद होना चाहती हूँ, मैं उड़ के पेड़ पौधों पर बैठ के मैं अपना खाना खाना चाहती हूँ, मैं और तोता से मैं तोताओं के साथ मैं आनंद करना चाहती हूँ, मैं उड़ना चाहती हूँ, कृपया मुझे आजाद कर दो। मेरे प्यारो, देखिए उसके लिए सब कुछ था, सोने का पिंजरा, सब कुछ, खाने की चीजें, सारी जरूरतें उसको पूरी की जा रही थी, सब कुछ उसके पास था, लेकिन वो कुछ और भी चाहता था, मैं आजाद होना चाहता, वो तोता आजाद होना चाहता था। वैसे मेरे प्यारो, इंसान के जीवन में भी, चाहे उसके पास धन दौलत, सारे संपत्ति क्यों ना हो, सारे दुनिया को जीत क्यों ना लिया हो, लेकिन इंसान के लिए आजादी जरूरी है, स्वतंत्रता जरूरी है। आज काफी लोग पाप में फंसे हुए हैं, पाप के बंधन में, शैतान के बंधन में, अंधकार में जकड़े हुए हैं, वो आज उनको आजादी की जरूरत है, पाप से छुटकारा पाने की जरूरत है। शैतान उनको बांध कर रखा है, उनकी आंखों को अंधा कर रखा है, वो बाहर नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि हम आजाद हो जाए, इन सारी चीजों से हम आजाद होना हो जाए, वो चाहते हैं, लेकिन हो नहीं पा रहा है। लेकिन मेरे प्यारो, आज मैं आपके लिए खुशखबरी बताना चाहता हूं, आपके लिए कोई है जो आपको आजाद करना चाहता है,
उस पिंजरे से उस तोता को आजाद करने के लिए वो राजा से विनती किया गया। वो तोता ने बोला मुझे आजाद कर दो, और वो आखिरी में वो राजा उसको आजाद कर दिया। मेरे प्यारों, आज इंसान भी आजाद होना चाहता है, स्वतंत्र होना चाहता है, और वो स्वतंत्रता यीशु मसीह हमें दिला सकता है। इसी के लिए, हमें छुड़ाने के लिए, हमें आजाद करने के लिए, स्वतंत्र करने के लिए स्वर्ग राज्य से इस दुनिया में आया है यीशु मसीह। एक वचन मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं, यूहन्ना उसका 8 अध्याय का 32 वचन, John 1:32। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। आमेन। बाइबल में लिखा है यीशु मसीह ही मार्ग, सत्य और जीवन है, वही सच्चाई है, और जब हम सत्य को जानेंगे, सत्य हमें छुटकारा देगा। वही यीशु मसीह, जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे, अपने हृदय में बुलाएंगे, यीशु मसीह हमें सारे पापों से, सारे बंधनों से छुटकारा देकर हमें स्वतंत्र करेगा। और एक वचन में लिखा है 36 वचन में, इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। आमेन। जब परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह हमें स्वतंत्र करेगा, तब सच में हम स्वतंत्र किए जाएंगे, पाप से, बंधनों से, अंधकार से, हर एक बंधनों से आजाद हो जाएंगे। यीशु हमें आजाद करेगा। आमेन। तो क्या आप आजाद होना चाहते हैं? क्या आप स्वतंत्र होना चाहते हैं? पाप से छुटकारा पाना चाहते हैं? बंधनों से बाहर आना चाहते हैं? तो यीशु पर विश्वास कीजिए, यीशु पर भरोसा रखिए। सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। वो सत्य यीशु मसीह है। यीशु मसीह को जानिए, यीशु मसीह आपको स्वतंत्र करेगा, तब आप आजाद हो सकते हैं। स्वतंत्र से पवित्र प्रभु यीशु मसीह में आनंद से जीवन बिता सकते हैं। प्रभु इस वचन के द्वारा आपको आशीषित करे। आपको आजाद करने के लिए यीशु मसीह आया है। आज भी वो जिंदा है, आपके हृदय में आना चाहता है, आपको भी आजादी देना चाहता है। आइए उस यीशु के पास, यीशु आपको स्वतंत्र करेगा और अंत में स्वर्ग राज्य अपने साथ ले जाएगा, क्योंकि यीशु ही स्वर्ग का रास्ता है। वो जल्दी ही इस दुनिया में आ रहा है, अपने साथ हमको ले जाएगा। यीशु मसीह पर विश्वास कीजिए, यीशु आपको आजाद करेगा, आपको आशीष करेगा। आइए इस वचन के लिए प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, धन्यवाद करते हैं इस वचन के लिए, जो मेरे भाई बहन सुन रहे हैं उन सब से आप बातें कर। प्रभु जी, अगर कोई नए हैं, कोई सुन रहे, कोई आजाद होना चाहता है, स्वतंत्र होना चाहता है, उनको आप मदद कीजिए, उनको आजाद कीजिए, उनकी सहायता करें। प्रभु जी, हरेक उनके पापों को क्षमा कर, उनको आपकी खुशहाली से भर दे। सारी महिमा आपको देते यीशु के नाम में, आमेन। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबों को आशीषित करें। अगर कोई नए हैं, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी बटन भी दबा दीजिए, जब हम नए वीडियो डालेंगे आप तक नोटिफिकेशन पहुंचेगा। रोज सुनते रहिए और दूसरों को भी शेयर कीजिए। आप सबको जय मसीह की। एक और नए वीडियो के साथ हम फिर से मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखना। जय मसीह की। आमेन।